मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहाँ आप क्रिकेट, फुटबॉल और 160+ गेम खेलकर लाखों करोड़ों रुपए जीत सकते हो। ये 85 ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है और साथ ही 24x7 विड्रॉल भी देखने को मिलता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लोग पिन कमेंट में दिए लिंक से इनको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट जरूर करें। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आईपीएल से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब टीम के बारे में। जैसा कि पंजाब टीम का तीसरा मैच था चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ और इस मैच में पंजाब टीम ने एक बड़ी जीत दर्ज की अपने नाम कुल 54 रनों की। ऐसे में आप सभी लोग बता दूँ चौथे मैच में पंजाब टीम की भिड़ंत है गुजरात टाइटन्स के साथ और गुजरात टाइटन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम मानी जा रही है इस आईपीएल में। हालांकि पंजाब की टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, पर गुजरात टाइटंस की बात करें तो वो अपने शुरुआत के दोनों मैचेस जीत कर आ रहे हैं। वहीं पंजाब टीम की बात करें तो वो 3 में से 2 मैचेस जीत के आ रहे हैं और ये पंजाब टीम का चौथा मैच है, 8 अप्रैल को खेला जाएगा। तो ऐसे में इस वीडियो में हम जानेंगे दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में कि पंजाब टीम की क्या बेस्ट प्लेइंग 11 होगी गुजरात टाइटंस के खिलाफ और गुजरात टाइटंस क्या चेंजेस कर सकती है पंजाब टीम के खिलाफ। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप भी पंजाब टीम के और क्रिकेट के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पंजाब टीम से और क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो सबसे पहले पंजाब टीम के प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि पंजाब टीम के प्लेइंग 11 की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। पंजाब टीम की प्लेइंग 11 जो सीएसके के खिलाफ खेली थी वही प्लेइंग 11 गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी खेलेगी, क्योंकि पंजाब की टीम ने तीसरे मैच में एक बड़ी जीत दर्ज की और गेंदबाजी उनकी सबसे अच्छी रही है इस मैच में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ। ऐसे में आप सभी लोगों को बता दूँ गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी पंजाब की टीम वही प्लेइंग 11 उतारेगी। कुछ चेंजेस दिख सकते हैं और चेंजेस जहाँ दिखेंगे वहाँ पर आप सभी लोगों को बता दूँ कोई इंडियन खिलाड़ी अंदर दिखेगा या जॉनी बेस्टो की वापसी होगी। पर मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जॉनी बेस्टो तीसरे मैच में भी उपलब्ध थे पर उनकी जगह नहीं बनी प्लेइंग 11 में। क्यों नहीं बनी? क्योंकि भानुप्रताप जयपक्षा, कगिसुरा बाडा, लियाम लिविंगस्टन, ओडेन स्मिथ ऑलरेडी फिक्स ओवर से खिलाड़ी दिख रहे थे। अपडेट्स आ रही थी कि ओडेन स्मिथ को बाहर कर सकती है पंजाब की टीम, इसके अलावा लियाम लिविंगस्टन को, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने दूसरे मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। पर पंजाब की टीम ने इन दोनों खिलाड़ियों को बैक की और एक और मौका दी, क्योंकि मौका देना बनता भी था। पंजाब टीम की बात करें तो लियाम लिविंगस्टन को पूरे 11 करोड़ 50 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है, वहीं ओडेन स्मिथ को 6 करोड़ रुपए में और कगिसुरा बाडा को 9 करोड़ 25 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। और तीनों ही मार्की खिलाड़ी हैं। चौथे खिलाड़ी जॉनी बेस्टो थे पर वो पहले मैच में उपलब्ध नहीं थे, तो उनकी जगह राजपक्षा खेले और भानुप्रताप राजपक्षा ने काफ़ी अच्छी फॉर्म दिखाई अपनी और बल्लेबाजी किए पहले और दूसरे मैच में, तो उनकी जगह तो फिक्स दिख रही थी। ऐसे में चौथे मैच की बात करें तो ऑलमोस्ट प्लेइंग 11 सेम दिखेगी। और जहां तक वैभव अरोड़ा, इस मैच में भी पंजाब टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकते हैं पावर प्ले में। टीम की प्लेइंग 11 में ओपनिंग में देखेंगे टॉप ऑर्डर में शिखर धवन के साथ मयंक अग्रवाल, इसके अलावा 3 नंबर पर भानु राजपक्षा, 4 नंबर पर लियाम लिविंगस्टन, 5 नंबर पर जितेश शर्मा, 6 नंबर पर शाहरुख खान, इसके अलावा 7 नंबर पर ओडेन स्मिथ, 8 नंबर पर कगिसुर अबाड़ा, 9 नंबर पर राहुल चहर, 10 पर वैभव अरोड़ा, 11 नंबर पर अर्शदीप सिंह। और पंजाब की टीम इस मैच में भी बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है अगर वो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हैं तो। पर इसके अलावा प्लेइंग 11 की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम होगी प्लेइंग 11 जो तीसरे मैच में खेली थी। और कहीं ना कहीं ये मैच पंजाब टीम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सामने है गुजरात टाइटंस और गुजरात टाइटंस आईपीएल 2022 में नई टीम है और नई टीम ने काफ़ी अच्छा कमाल किया है, उन्होंने एक भी मैच अभी तक हारी नहीं है इस सीजन। तो गुजरात टाइटंस को इसी चीज़ का एडवांटेज है कि वो अपने दोनों मैचेस जीत कर आ रहे हैं, डिफेंड करके भी और चेस करके भी। ऐसे में उनकी गेंदबाजी उनकी स्ट्रेंथ मानी जा रही है। पर पंजाब टीम को इस मैच में सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा तो ग्राउंड का रहेगा। जैसा कि पंजाब की टीम तीसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ इसी ग्राउंड पर अपना तीसरा मैच खेली थी ब्रेबोर्नी स्टेडियम पर, और चौथा मैच भी गुजरात टाइटंस के खिलाफ इसी मैच पर खेलेगी। तो ऐसे में पंजाब टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज इस पिच को और इस ग्राउंड को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते रहेंगे, यहाँ पर क्या चीज़ करने से उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे में आप सभी लोग पंजाब टीम के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि दोनों मैचेस वो इसी ग्राउंड पर खेलेगी। चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेल चुकी है, गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलेगी। इसके अलावा गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 की बात करें तो उनकी प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट सेम रहेगी जो दूसरे मैच में खेली थी, क्योंकि दोनों ही टीमें अपना आखिरी मैच जीत कर आ रही हैं। ऐसे में प्लेइंग 11 में शायद ही कोई चेंजेस करे। पर गुजरात टाइटंस की बात करें तो ओपनर में देखा जाए तो शुभमन गिल और मैथ्यू वेड़ी देखेंगे। मैथ्यू वेड़ की जगह पर रिद्धिमान साहा को गुजरात टाइटंस खिला सकती है, पर इसके भी चांसेस काफ़ी कम बन रहे। पर अपडेट्स के मुताबिक प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट सेम रहेगी। टॉप ऑर्डर में मैथ्यू वेड और शुभमन गिल देखेंगे बैटिंग करते हुए, इसके अलावा 3 नंबर पर विजय शंकर, 4 नंबर पर हार्दिक पांड्या, 5 नंबर पर डेविड मिलर, 6 नंबर पर अविनो सरदार गनी, इसके अलावा 7 नंबर पर राहुल टेवतिया, 8 नंबर पर राशिद खान,
9 नंबर पर रॉकी फर्गुसन, 10 नंबर पर मोहम्मद शमी, 11 नंबर पर वरुण एरोन। तो ये गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 होने वाली है इस मैच में पंजाब टीम के खिलाफ। इसमें एक से दो चेंजेस हो सकते हैं, पर जहां तक अपडेट्स की माने तो प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट सेम रहेगी, क्योंकि इसी टीम के साथ गुजरात टाइटंस अपना दूसरा मैच जीत कर आ रही है। और ये मैच काफ़ी धमाकेदार मैच होगा, क्योंकि एक तरफ गेंदबाजी देखी गुजरात टाइटंस की तो उनकी स्ट्रेंथ मानी जा रही है, वहीं पंजाब टीम की बल्लेबाजी सबसे मजबूत मानी जा रही है इस साल के सीजन में। पर दोनों ही टीमों की बात करें, दोनों ही टीमें सेम दिख रही हैं, मुकाबला काफ़ी टक्कर का होगा और ये मैच जीतने के चांसेस देखें तो दोनों ही टीमों के 50-50 लग रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना मत भूलिएगा। और अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पंजाब टीम से और क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स आपको देते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।